सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने देखा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे कि कोस एक्स या फिर साइन एक्स की वैल्यू दी गई थी और हमें अदर फंक्शंस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और हमने एग्जांपल 7 तक किया था जिसमें कोस एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह थी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते, जहाँ पे कोट एक्स की वैल्यू दी गई है -5/12 और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और हमने ये जो आइडेंटिटी है x² x = 1 + tan² x उसका यूज़ करके हमने फाइनली आंसर फाइंड आउट किया था। तो ये एग्जांपल्स आई थिंक आप सब लोग अब कर सकते हैं, पर फिर भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। सो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। ये भैया क्या कहते हैं देखते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। क्वेश्चन सिंपल है, इतना ही, साइन 31π/3। तो देखिए दोस्तों, पिछले जो एग्जाम्पल्स थे उसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दी गई थी, सपोज़ कि एक कोस एक्स की वैल्यू दी गई है या फिर साइन एक्स की वैल्यू दी गई, और उसी के ऊपर से हमें फाइंड आउट करने थे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि एक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में। बट ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 31π/sin 31π/3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी ग्राइंडिंग किया है उस सभी का गीता सार यहाँ पे, इस प्रॉब्लम में सब कुछ लगेगा। हमने जो भी एंगल्स के बारे में डिस्कस किया, जो ग्राफ डिस्कस किए, जो ओएसटी वाला जो ट्रिक थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लगी। वैसे तो इस प्रॉब्लम को मैं बहुत लंबा डिस्कस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कुछ ही स्टेप में इसका हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ में हमें क्या पता चला कि ये है साइन का ग्राफ जो 0 से स्टार्ट होता है और वो जिसकी वैल्यू पाई पे आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई, मतलब टाइम पीरियड पाई था, पाई 2π 3π 4π, इस वैल्यूज पे साइन वेव फंक्शन जो है खुद को रिपीट करता है, यानी कि यही वेव पैटर्न आगे बढ़ती। तो हमें ये पता है कि भाई 2π हो, साइन 2π हो, या 31π हो, सॉरी 30π हो, 32π हो, 52π हो, सभी जगह पे साइन पाई की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 0। वही वैल्यू मिलेगी हमें साइन 30π की, साइन 50π की, ओके। क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू n पाई, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, इफ x बिलोंग्स टू n पाई, साइन x बिकम्स 0, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 30π नहीं है, यहाँ पे क्या है, 31π/3। तो इसका क्या करें, सिंपल बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 10π + π/3, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। यहाँ से हम एलसीएम ले ले तो क्या आएगा, 30π + π/3, दैट मीन्स 31π/3। साइन की वैल्यू पाई के पास पाई के बाद रिपीट होती है, दैट मीन्स इसको साइन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, बट ये माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस है, दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, ओके, ये पाई है तो पाई प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस होगी। अब तो ये सिंपल हो गया, साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू √3/2, ओके, सो आंसर विल बी -√3/2। क्लियर, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, इस ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन विल गो टू अवर थ्योरी पोर्शन। नाउ एग्जांपल नंबर 9, ये एग्जांपल क्या कहता है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 17 10 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो कुछ ट्रिकी है, प्रॉब्लम दे दी है हमने, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, क्या करेंगे। वही कंसेप्ट है, cos जो फंक्शन है कब रिपीट होगा वही देखना है। तो कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि 360 डिग्री का मीनिंग क्या होगा, 2 पाई ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 पाई के बाद ये जो कोस फंक्शन है यहाँ पर ऑल एसटीसी में ये 0 है, ये 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड दिस वन इज 360। ओके, सो 2 पाई प्लस जो भी होगा वो कोस ही हमें मिलेगा, यानी कि 360 का जो भी मल्टीपल होगा वो हमें कोस फंक्शन ही देगा। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस माइनस 17 10 डिग्री प्लस 5 इंटू 360, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा हमें कोस थीटा ही देगा। तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 360 इंटू 5 कितने होंगे, 1800। ओके, तो इस प्रॉब्लम में अगर माइनस 17 10 डिग्री प्लस ये 1800 हो गया। ओके, तो सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर इस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कोस 90 डिग्री आएगा, और हमें पता है कोस पाई बाई 2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 मिलती है। हैंस प्रूव कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे थियरी पोर्शन। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो आप सभी लोग मेरे साथ एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, जहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ। ओके, ये हमारा सर्कल है। नाउ दिस वन इज अवर वाई एक्सिस, this one is our x-axis, this is origin। okay, अब यहाँ पे consider करना है कि suppose यहाँ पे P4 point है, ये point जो है इसको हमने P4 नाम दे दिया, उसके coordinates है 1, 0, क्योंकि इसकी radius कितनी है 1। okay, now ये origin है, suppose कि हमने यहाँ से rotate किया x degree पे इसको, तो हमारी नई पोजीशन कहाँ पे आ गई, इस P1 पॉइंट पे। ओके, ये कितना रोटेट हुआ है, x। नाउ
इसको फिर से हम रोटेट करेंगे, अगर इसको हमने फिर से रोटेट किया है यहाँ तक, तो ये P2 पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ये हमारा जो एंगल होगा वो y होगा, बिटवीन P1 एंड P2। फर्दर हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये ट्राइंगल बना ले हम, ओके, ओ पी वन पी टू। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, ओके, तो ये भी एक ट्राइंगल बन गया, पी टू ओ पी फोर। एंड इसको हमने फर्दर रोटेट किया तो ये माइनस वाई एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, ओके अगर ये माइनस वाई है यहाँ पे, तो इसने जो रोटेट किया है वो माइनस वाई बनेगा, क्लियर। आई मीन जो ये है, तो ये डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पे कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। Consider the circle, okay? तो इस सर्कल में P4O P1 जो है वो एंगल क्या है, X, कौन सा P4, ये जो P4 है P4O P1, ओके, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा, ये हमारा एक्स एंगल, यहाँ पे P1 और P2 कौन सा हो गया, P1, ये जो P1 है P1 और P2, ये जो एंगल है वो हमारा वाई एंगल। एंड देन P4 और P2, यानी कि ये जो P4 है ये O है और ये P2, ये जो एंगल है वो कितना है, एक्स प्लस वाई, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने आफ्टर ऑल जो रोटेशन हुआ है वो एक्स प्लस वाई है, ओके, यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस वाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P4 OP2, एंगल P4 OP2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे तीन मेजर पॉइंट्स हो चुके। नाउ P4 और P3 की अगर बात करें, यानी कि P4O एंड यहाँ पे एक जो P3 है, ये P3, P1, P2 एंड P3, ओके, जहाँ पे हमने ये इस P2 को माइनस वाई जितना रोटेट करवाया है, ओके, तो P4 और P3 की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई, क्योंकि वो ये जो एंगल है वो माइनस वाई। लेट मी राइट इट, ये जो एंगल बना वो माइनस वाई, P3 और P4 इसकी बात हो रही है, ये जो रोटेशन है सारा उसको हमने x प्लस वाई लिखा, क्योंकि ये पहले x हुआ फिर y हुआ, बात खत्म। तो यहाँ पर P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, तो P1 जो है पॉइंट P1, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos x एंड sin x, ओके, जो P1 है वो एंगल यहाँ पे कितना बना है, x, दैट मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos x होगा एंड y कोऑर्डिनेट्स जो है वो sin x। आगे बढ़ते हैं, तो जो P2 है
पी टू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोस एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स प्लस वाई, सीधी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि जो P2 है वो आफ्टर ऑल x एंड y के रोटेशन के बाद बना है। ओके, टोटल जो रोटेशन है x एंड y, इसीलिए हमने एंगल की जगह पे x प्लस y लिया क्योंकि टोटल एंगल x प्लस y बन रहा है। इसी तरह P3 की बात करें तो ऑब्वियसली वो मतलब जो हमारी x एक्सिस है उसके नीचे है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो उसमें जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो नेगेटिव आएगा। तो दैट मीन्स कोस माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई, क्योंकि हमने वैसे भी माइनस वाई का रोटेशन करवाया है P3 पॉइंट पे, एंड P4 तो 1 0 पहले से ही हमने लिया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए एंड आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा P4 पॉइंट है, यहाँ पे P1 पॉइंट है। अरे यार, यहाँ पे P2 पॉइंट है, यहाँ पे P3 पॉइंट है। P4 को हमने रोटेट किया कहाँ तक? यहाँ तक। कितना किया? x जितना। फिर इसको हमने P2 तक y जितना रोटेट किया, एंड देन हमने उसको ये y जितना रोटेट हुआ, फिर ये जो रोटेशन है इसको हमने y यानी कि माइनस वाई रोटेशन किया यहाँ पे। तो अगर इस फिगर से देखें तो हमने P1, P2, P3, P4 सभी को और सभी के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख लिया है। ओके, तो यहाँ पे जनरली आप देखें तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं, ओब्वियसली लगेंगे क्योंकि ये कॉन्करेंट ट्राइंगल्स है। ओके, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि consider the triangles P1 or P3 consider the triangles P1 or P3 यानी कि ये वाला and P2 or P4, ये जो ट्राइंगल से इसको कंसिडर करें तो ये दे आर कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। कॉन्करेंट जो ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड सेम होती है, यानी कि P1, P3 एंड P2, P4 आर इक्वल। इज इक्वल टू P4, P2, P4। तो ये तो ऑब्वियस बात हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, तो जो डिस्टेंस की फॉर्मूला है वहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि P1 P3 का स्क्वायर अगर लिखे तो उसके कोऑर्डिनेट्स का हमने डिफरेंस मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा और उसका स्क्वायर यानी कि कोस एक्स माइनस कोस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन माइनस वाई इसका होल्स। यहाँ पे देख सकते हैं पी वन एंड पी थ्री, यानी कि पी वन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? कोस एक्स एंड साइन एक्स, और पी थ्री के कोस माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई। ओके, तो ये जो मतलब डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या है? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसका डिफरेंस का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स जो है तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। रिपीटिंग माई पॉइंट, आई थिंक यू आर ओके।
सो कॉस एक्स माइनस कॉस माइनस वाई एंड साइन एक्स माइनस साइन माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमें पता है जो स्क्वायर ए माइनस बी वाला फॉर्म है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसको ऐसे ही हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको प्रॉपर्टी वो याद होनी चाहिए कि कोस माइनस थीटा हमें कोस थीटा देता है और साइन थीटा सेम साइन माइनस थीटा हमें माइनस साइन थीटा देगा। ओके, ये हमने पहले ही इसके बारे में बात की थी, आई थिंक यू ऑल रिमेम्बर दिस। तो हमें पहले तो इसको कोस माइनस वाई को कोस वाई लिख लेना है, कोस एक्स माइनस कोस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी और a प्लस बी से अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस टू कोस एक्स कोस वाई, ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स साइन वाई। तो हमें पता है वो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई वन। तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गए, टू। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू प्लस टू इन दी ब्रैकेट साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स कोस वाई। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। तो ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है पी टू पी फोर के स्क्वायर को। तो इसको कैसे लिख सकेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वन माइनस कोस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस साइन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये कैसे आया, तो P2 P4 के डायग्राम में देखिए, तो P2 यहाँ है, हाँ है, और P4 यहाँ है। P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1 0, P2 के क्या थे, cos x plus y एंड sin x plus y। तो यही किया है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 माइनस cos x plus y होल स्क्वायर, 0 माइनस sin x plus y होल स्क्वायर। तो यही किया हमने, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा हमें, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो है 2 माइनस टू कोस एक्स प्लस वाई। तो ये सेकंड रिजल्ट। अब ये दोनों तो इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं। मैं एक नए पेज पे लिखता हूँ कि भाई 2 माइनस टू टू माइनस टू कोस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू कोस एक्स प्लस वाई। तो ये टू से टू कैंसल आउट हो जाएंगे और नेगेटिव वाली साइन भी हट जाएगी और टू से टू यहाँ से भी कैंसल आउट हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। हमारा टॉपिक क्या था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन दी फॉर्म ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, जिसके एंगल में या तो डिफरेंस होगा या फिर एडिशन होगा टू नंबर्स का, तभी एंगल बनता है। सपोज कि थीटा एंगल होगा तो यहाँ पे या तो x प्लस वाई होगा या तो x माइनस वाई होगा, ऐसा कोई थीटा, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो सम के फॉर्म में हो या फिर डिफरेंस के फॉर्म में।
तो ये हमारी पहली इक्वेशन और पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है। तो इसी के ऊपर से हम बाकी सारे फाइंड आउट करने वाले हैं। ये मस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी ये यूज होगा, आपके 11 ट्वेल्थ में तो ये होगा ही होगा। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे? तो हमें कोस एक्स प्लस वाई पता है, वो क्या है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही था ना, यही था। हमें फाइंड आउट करना है कोस एक्स माइनस वाई। तो ये हम कैसे करेंगे? सिंपल है, वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे? माइनस वाई। तो क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन वन, क्लियर? तो यहाँ पे cos x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे cos x का cos x, cos y का cos माइनस वाई, माइनस साइन x एंड साइन y का साइन माइनस वाई। तो ये कोस एक्स हो गया और कोस माइनस सीटा तो कोस ही देगा, क्योंकि कोस इवन फंक्शन है। तो ये कोस वाई हो गया, तो साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई देगा, क्यों? क्योंकि साइन ओड फंक्शन है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला मिल चुका है, क्लियर? कुछ रटना नहीं है, वैसे ही समझना है, सब कुछ ईजी लगेगा। नाउ आगे बढ़ते, तो ये सेकेंड इक्वेशन मिला। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है कोस पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। जनरली तो हमें पता है कि भाई कोस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्योंकि पाई बाई टू माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वैसे भी पाई बाई टू है तो कोस का साइन में ट्रांसफर हो जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बट इसको इस मेथड से करें अगर, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? रिप्लेस x बाय पाई बाई टू एंड y बाय x, सिंपल। ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन इक्वेशन टू, ओके, यानी कि ऊपर वाला, इसमें हमें x की जगह के जगह पे पाई बाई टू रखना है और y की जगह पे x, तो हमें cos पाई बाई टू माइनस एक्स मिलेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि cos x की जगह पे cos पाई बाई टू, y की जगह पे cos x प्लस x की जगह पे sin पाई बाई टू एंड y की जगह पे x। cos पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो है, ये हमें पता है। तो ये सारा ज़ीरो हो गया, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन है, तो बचा गया साइन एक्स, दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको देंगे हम नंबर थ्री, क्लियर? नाउ जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है? साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये आपको होमवर्क में करना है, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली कोस एक्स आएगी। तो मैं ये होमवर्क देता हूँ आपको, इस मेथड से यानी कि प्रीवियस फॉर्मूलाज से इसको डिराइव करना है। सो आई थिंक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।